This call is now being recorded. Is the screen visible to everyone? Now is it visible? Yes. ठीक है, चलो आई होप एवरीवन हैज जॉइन्ड नाउ. वी विल स्टार्ट विद अ न्यू लेसन टुडे. वॉइस इज ब्रेकिंग. चलो लेट्स चेक द वॉइस. इज द ऑडियो क्लियर? अभी आवाज आ रही है? इज द ऑडियो क्लियर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, इज द ऑडियो क्लियर टू एवरीवन? कमेंट. कोई कमेंट नहीं कर रहा. इज द ऑडियो क्लियर नाउ? ओके, चलो सिमर. मेरा नेट यहाँ पे फास्ट है, क्योंकि मैं अच्छे नेट पे कनेक्टेड हूँ. आप भी कोशिश कीजिए कि एक मिनट. ओके, वी विल स्टार्ट विद फूड सेफ्टी टुडे. नया ताजा ताजा रीजन फूड सेफ्टी. वी लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, वी सॉ व्हाट फूड इज कंप्राइज्ड ऑफ. व्हाट इज द केमिकल, व्हाट आर द केमिकल्स बेसिकली प्रेजेंट इन फूड, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स. नाउ जस्ट अ मिनट. Okay, sorry. So we learned about fats, proteins, vitamins, all types of nutrients, right? What is basically food comprises of. Now this is a very, screen is not visible. अरे स्क्रीन सबको दिख रहा है कि नहीं? हेलो, स्क्रीन सबको विजिबल है या नहीं? No. क्लिक ऑन में आपको दो सिद्धार्थ दिखते रहेंगे. ओके, जो भी पर्सन है तो दो दिख रहे रहेंगे. एक को क्लिक करो जिसमें मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. सी, टू सम स्टूडेंट्स इट इज विजिबल. सो देर आर टू सिद्धार्थ. मैंने मोबाइल से भी लॉग इन किया है और लैपटॉप से भी लॉग इन किया है. So you have to click on one of them in which it is visible. Is my voice breaking? Hello? कैसे मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? वॉइस इज ब्रेकिंग. Just a minute. एक मिनट. हेलो. ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन. ओके, आई विल स्टॉप. फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ इज द ऑडियो क्लियर? पहले ये बताओ अभी ऑडियो क्लियर है क्या? अभी ऑडियो नहीं आ रहा ठीक से. अभी आ रहा है क्या? हेलो. ओके, चलो अभी आ रहा है. हेलो, स्क्रीन एंड वॉइस परफेक्ट. सी यार, कुछ स्टूडेंट्स को आ रहा है मेरा वॉइस, तो मेरी वॉइस से कुछ प्रॉब्लम नहीं है.
अपना एक बार इंटरनेट चेक कर लो। ठीक है, अभी आ रहा है क्या सभी स्टूडेंट्स को? मेरा आवाज ठीक से आ रहा है क्या? स्क्रीन हाँ, मैंने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है, स्क्रीन विल बी नॉट विजिबल, फर्स्ट टाइम चेकिंग। मैं एक मिनट, लेट मी ऑफ द फैन। चलो फैन ऑन था। ओके, अभी लेट्स चेक द वॉइस अगेन। इज द वॉइस क्लियर नाउ? इज द वॉइस क्लियर नाउ? कमेंट करो। यस, ओके, ऑल राइट, श्योर, वेरी गुड। आई थिंक माइक इज क्लोज टू यू। ठीक है, देखते हैं। मैंने फैन ऑन किया था एक्चुअली, तो फैन का आवाज आ रहा था आपको। ओके, अभी मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आपको थोड़ी देर में स्क्रीन दिखेगी। अच्छा बताओ, या आई हैव ऑफ द फैन। ठीक है, मैंने फैन को ऑफ कर दिया है। अभी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन इज इट विजिबल? यस, ठीक है, चल। सो दिस इज अ वेरी जनरल लेसन। ओके, देर इज नो टेक्निकल टर्म्स इन्वॉल्व इन इट, एंड देर इज बेसिकली आप ये लेसन पढ़े एक बार। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी भी? इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरी वन? यस, इट इज फ्रीज। इज एवरी थिंग क्लियर नाउ? अभी सब फाइन है ना? ओके, कैन आई स्टार्ट? ओके, ठीक है, आई एम स्टार्टिंग। ऑल राइट, सो बहुत ही जनरल लेसन है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर लाइफ। ठीक है, आप टेंथ के बाद साइंस लो या ना लो, मुझे लगता है कि ये लेसन हर पर्सन को पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसे अप्लाई भी करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट टीचेस यू बेसिकली साइंस, लेकिन एक साइंटिफिक एटीट्यूड से फूड को बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए। ठीक है, ये सब डोमेस्टिक वैल्यूज बेसिकली हमें पढ़ाता है ये लेसन। ऑल राइट, ठीक है, और इसे अप्लाई करना है बेसिकली, हम लोग जो भी आज सीखेंगे इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। ओके, हम लोग कुछ प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हम लोग पढ़ेंगे। ऑल राइट, वॉट आर अडल्टरेंट्स? ओके, हाउ फूड इज अडल्टरेटेड? ऑल राइट, एंड वॉट आर द साइंटिफिक टेक्निक्स टू नो कि हाउ इट इज अडल्टरेटेड? राइट, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एक मिनट। ओके, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट अवे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज फूड स्पॉइलेज, हाउ द फूड इज स्पॉइल्ड। ठीक है, तो एज वी नो कि वॉट एवर एनर्जी वी आर गेटिंग एंड वॉट एवर वर्क वी आर एबल टू परफॉर्म, दैट इज बिकॉज ऑफ फूड। वाई? बिकॉज फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। ऑल राइट, वॉट आर दोज न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। स्क्रीन इज नॉट विजिबल सेइंग, अरे मेरे मोबाइल में दिख रही है स्क्रीन। स्क्रीन इज विजिबल यार। सी, देर आर टू नेम, देर आर टू सिद्धार्थ। ओके, आई हैव लॉग्ड इन विथ माई मोबाइल एंड आई हैव ऑल्सो लॉग्ड इन विथ माई लैपटॉप। ओके, सो किसी दोनों में से एक सिद्धार्थ पे आप क्लिक कीजिए। ऑल राइट, सो इट विल बी विजिबल देन। ओके, अगर फिर भी नहीं लेफ्ट हो रहा तो आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, एक बार लॉग आउट हो जाइए अपने डिवाइस से, एंड देन अगेन यू लॉग इन। ओके, अगेन रीजॉइन। ऑल राइट, ठीक है, ओके। तो मैं कहा था, हाँ, न्यूट्रिएंट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ऑल आर दिस न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल आर द ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स। व्हाट आर दे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल आर दिस ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स एंड दिस वी टर्म इट एज केमिकल एनर्जी। सो फूड कंसिस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी। ओके, एंड दिस ड्यू टू दिस केमिकल एनर्जी अवर बॉडी सर्वाइव्स, अवर बॉडी डेवलप्स। ओके, इफ यू मेट विथ एन एक्सीडेंट, अवर टिश्यूज हील
and our body is able to fight against diseases. Why? Because food contains this chemical energy in the form of nutrients. So we require the best food. All right. So when I say best food, मतलब उसके जो nutrients है सभी के सभी होने चाहिए वहां पे. We don't need any adulterant. I will talk about what it is adulterant. Okay, what is adulterant? I will talk. So let's see कि ये food को spoil कैसे होता है, उसके nutrients कैसे कम होते हैं. What are the factors responsible for food spoilage? तो आप यहाँ पे images देख रहे हैं, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे इमेजेस देख रहे हैं. चूहा यहाँ पे है, ऑल राइट. तो ये चूहा कुछ ग्रेन्स को खा रहा है. देन ये जो वेंडर है वो बहुत, उसके हाथ कुछ डर्टी होते हैं, अच्छे से साफ नहीं करता. सो दीज आर ऑल थिंग्स. ये फ्रूट्स जो बेचने वाली है वो गंदी जगह पे बैठती है, ठीक है. सो लेट्स सी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज. समटाइम्स अभी आपको सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनना है, ठीक है. आपको कुछ ज़्यादा नोट नहीं करना है ये लेसन में, बस सुनते रहो. और बस सुनते रहो, ओके, शांति से सुनते रहो. सो समटाइम्स फ्रूट्स और देयर स्किन टर्न ब्लैक. तो आपने देखा रहेगा कि फ्रूट्स जो है वो सड़ जाते हैं दो तीन दिन में अगर हमने नहीं खाया तो. फॉर एग्जाम्पल केला, राइट, बनाना, वो कैसे सड़ जाता है दो तीन दिनों में. ओके, सो सम फूडस्टफ्स गिव आउट अ फाउल और बैड ओडर. फाउल और बैड ओडर मतलब गंदा बास आना, ओडर मतलब स्मेल. ओके, बास आना जो बोलते हैं उसे फाउल और बैड ओडर बनते. सो सच फूडस्टफ्स आर नॉट सुटेबल फॉर अस टू ईट, राइट. समटाइम्स नेचुरली अवेलेबल फूड मटेरियल्स आर स्पॉइल्ड बाय रॉन्ग हैंडलिंग. रॉन्ग हैंडलिंग, ओके, मार्क द वर्ड, रॉन्ग हैंडलिंग, एज वेन दे आर ओवर कुकड और इमप्रॉपरली स्टोर्ड, से इन अ डैम्प प्लेस. सो वेन एवर द फूड इज स्टोर्ड इन अ डैम्प प्लेस, डैम्प प्लेस मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है. ऑल राइट, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ठीक है. ओवर कुकड, ओवर कुकड यानी जलाना उस फूड को, ज़्यादा देर तवे पे रखना, दैट इज ऑल ओवर कुकिंग. ओके, सो इन सच केसेस द क्वालिटी ऑफ द फूड मटेरियल डेटोरियरेट्स. सो डेटोरियोरेट्स मतलब तबाह होना, डिस्ट्रॉय होना, ओके, उसके फूड की क्वालिटी. और ये फूड की क्वालिटी कैसे डिटरमाइन होती है, न्यूट्रिएंट्स से. तो बेसिकली क्या होता है कि फूड की एक लाइफ टाइम होती है, कोई भी फूड ले लो उसकी एक लाइफ टाइम होती है, फॉर विच ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर देयर. धीरे धीरे ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं. ओके, जो ये न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं. कैसे, बहुत सारे फैक्टर्स है उसके, बहुत सारे फैक्टर्स है, बेसिकली बहुत सारे रीजन से ये न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय होते हैं. एक फैक्टर है कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है उन केमिकल्स से, ऑल राइट, और उनका केमिकल फॉर्मूला जो है वो नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है. सो वी सॉ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, राइट. ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6. सो ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल्स, ठीक है, वाटर, दीज ऑल रिएक्ट विद दिस केमिकल्स. ओके, मतलब न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उनका जो केमिकल फॉर्मूला बेसिकली डिस्ट्रॉय करके कुछ और केमिकल कंपाउंड बनाते. ओके, कुछ और केमिकल कंपाउंड बनाना, ऑल राइट, विच इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, ठीक है. तो ऐसे फूड मटेरियल बेसिकली डिस्ट्रॉय होता है. और हर एक फूड का एक लाइफ टाइम होता है, हर एक फूड का एक लाइफ टाइम होता है, उसे शेल्फ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है. शेल्फ लाइफ, SHELF, शेल्फ लाइफ, ऑल राइट. They may be also spoiled during transportation. Okay, तो transportation में भी बहुत, अगर अच्छे से transportation नहीं हुआ, अच्छे से covered नहीं है food material, so they can be spoiled. The foodstuffs we consume, whether of animal or plant source, must be of best quality, right? Because जो भी nutrients है food के सब maximum से maximum हमारे अंदर जाने चाहिए, because जो nutrients है वही हमें energy देने वाले, all right? Otherwise, we may fall prey to disease or illness. Food is said to be spoiled if there is a change in its color, odor, texture, quality, taste, and there is a loss of its nutrient content. So, color ka change hona, basically, color ka change hona. Aapne banana dekha rahega. To banana kaisa ekdam fresh lagta hai, yellow, aur fir baad mein black spots aane lagte hai usse, thoda blackish ho jata. Right? So, changing of color.
चेंजिंग ऑफ ऑर्डर मतलब स्मेल आने लगता है, सब्जी रात की हो अगर आप सुबह उसे स्मेल करो तो उसका स्मेल अलग होगा, थोड़ा बासी स्मेल आएगा। नो स्क्रीन, स्क्रीन है ना विजिबल, इज द स्क्रीन विजिबल मुझे? हाँ दिख रहे। नो सी रिजॉइन, यार जिसको भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है रिजॉइन, एंड देर आर टू सिद्धार्थ बेसिकली, तो एक सिद्धार्थ पे क्लिक करो उस पर आपको स्क्रीन दिखेगी। ओके आप पर्सन्स में जाओ, सिर्फ सिद्धार्थ नाम है उस पर क्लिक करो आपको स्क्रीन दिखेगी। चलो सो दिस दिस ऑल पानीपुरी शेवपुरी पाव भाजी ऑल दिस वी कॉल्ड एज जंक फूड, ओके विच बेसिकली डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिएंट। ओके ये सब खाने से हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता जो हमारे बॉडी के लिए एक्चुअली चाहिए रहते हैं। ओके जस्ट टेस्ट मिलती है, दिस ऑल फूड स्टफ जस्ट गिव्स यू टेस्ट बट डू नॉट गिव्स अस केमिकल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। ऑलराइट सो एज अ साइंस स्टूडेंट यू शुड नो की वॉट यू हैव टू कंज्यूम एंड वॉट यू हैव टू नॉट। डू हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू हाउ आर वेयर दे वेयर मेड? सो ये सब जो है वो बाहर ही मिलते हैं और वी डोंट नो कि कौन सा पानी यूज कर रहे हैं इसे बनाने में। ओके व्हाट काइंड ऑफ वाटर दे आर यूजिंग, इज इट क्लीन और नॉट, ओके एट विच प्लेस, एट व्हाट प्लेस दे आर मेकिंग दिस वी डोंट नो, वेयर दे डिस्प्लेड एंड सर्व्ड हाइजीनिकली, हाइजीनिकली मतलब हेल्दी, ओके इन अ हेल्दी एनवायरमेंट। सो कैन आई टर्न ऑन माइक एंड से समथिंग? क्यों क्या हुआ? प्लीज कमेंट हियर। ऑलराइट If you are facing any problem, please comment. So which fruits in the picture appear to be good to eat? Okay. Or screen, sir. Is everything fine? Is my audio and my screen सबको visible है ना? आज बहुत problem हो रहा है, सब left भी हो रहे हैं. The moon is facing this issue. यू कैन कमेंट बेसिकली और उन्हें वो जो जिन्हें भी सी जिन्हें भी इश्यू हो रहा है प्लीज रीजॉइन। ओके लेफ्ट करो रीजॉइन करो। ऑल राइट सर योर स्क्रीन इज नाउ विजिबल। ओके ठीक है सो अ स्टूडेंट हैज लेफ्ट एंड रीजॉइन एंड उसके लिए अभी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है तो जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है उस प्लीज लीव करो और वापस रीजॉइन करो। ठीक है आपको स्क्रीन दिख जाएगी। ऑल राइट नो इश्यू ना। सो अभी कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्ड्स। वेरियस काइंड ऑफ चेंजेस ऑकर इन फूड मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स टर्निंग ब्लैक चेंजिंग द टेस्ट, मीट बिकमिंग सोर मतलब खट्टा, और पीनट्स बिकमिंग रैंसिड। नाउ व्हाट इज दिस रैंसिड? सी व्हेन बेसिकली ऑक्सीजन गैस है ना इट रिएक्ट्स विद द फूड मटेरियल। ओके एंड इट मेक्स दोस बेसिकली इट डिस्ट्रॉयज द केमिकल फॉर्मूला। Alright, it destroys whatever the chemical formula is of the nutrients. Okay, and makes some other compounds. Alright, makes some other compounds. So that process of oxygen destroying the nutrients, right? It is rancidity. Alright. So whatever the process has occurred, jo bhi humko fir constituents mile after oxygen reacting with the nutrients. Okay. So hum log bolte ki food has become rancid. Alright. Food has become rancid, right? समझा आपको? So all these changes occur due to factors within the food materials. Often food grains etc. produced in farms are damaged due to various reasons like improper handling. Okay, तो crops जो है उनको warehouse रहते हैं, warehouse मतलब एक घर जैसा रहता है crops के लिए, उन्हें वहाँ पे store करना पड़ता है, improper storage. So बारिश के time में basically हमको जो food material है, ठीक है जो भी वीट जोवार बाजरी जो भी क्रॉप्स है जो वेजिटेबल्स है, तो हमको पानी से दूर रखना पड़ता है, ड्राई प्लेस में रखना पड़ता है। इफ वी आर नॉट एबल टू डू दैट देन दैट इज नोन एज इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज, इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन। ओके सम फूड स्टफ्स लाइक मीट एंड मिल्क आर आइदर एसिडिक और अल्कलाइन। ऑलराइट सो दे मे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस ऑन कॉन्टैक्ट विथ मेटल्स।
So whatever the substances which are acidic or alkaline, ठीक है, तो they react with metals and form some compound. So milk if kept for a long time in a container और आप जो भी कह लो डब्बा जो है स्टील का उधर उसमें रख लो तो इट रिएक्ट्स बेसिकली विद दैट मेटल ओके एंड फॉर्म सम कंपाउंड एंड देन वॉट एवर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द मिल्क बेसिकली फैट्स ठीक है वो डिस्ट्रॉय हो जाते ऑलराइट एंड देन मिल्क इज ऑफ नो यूज वी कैनॉट ड्रिंक दैट मिल्क ओके दे मे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑन कॉन्टैक्ट विद मेटल समटाइम्स फूड स्टफ्स मे बी स्पॉइल्ड ड्यू टू कंटेमिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स फ्रॉम द सराउंडिंग एयर वाटर और सॉइल सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी हाथ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो द रीजन वाई फूड स्टफ्स गेट स्पॉइल्ड बिकॉज बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्या चाहिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए सो दे ग्रो ऑन द फूड स्टफ्स वाई दे ग्रो ऑन द फूड स्टफ्स बिकॉज इन फूड स्टफ्स न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने सर्वाइवल के लिए ब्रेक डाउन करते हैं ठीक है ब्रेक डाउन करते हैं कंज्यूम करते हैं ऑल राइट एंड देन दोस फूड इज ऑफ नो यूज टू अस ओके एक बार उनका न्यूट्रिएंट्स सो यहाँ पे एक पिक्चर्स है कुछ एप्पल का सड़ जाना बेसिकली आफ्टर आफ्टर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम राइट सो फूड वेस्टेज नाउ वी सॉ अबाउट फूड स्पॉइलेज वी सॉ सम फैक्टर्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देन रिएक्टिंग विद द मेटल कंटेनर्स देन एटमोस्फेरिक रिएक्शन लाइक एटमोस्फेयर बेसिकली रिएक्टिंग विद द फूड देन इंसेक्ट्स ऑक्सीजन रिएक्टिंग विद द फूड मेकिंग इट रैंसिड सो दीज आर द फैक्टर्स इम्प्रॉपर हैंडलिंग फॉर फूड स्पॉइलेज नाउ लेट्स सी फूड वेस्टेज सो टू टाइप्स ऑफ वेस्टेज आर देयर टू टाइप्स ऑफ वेस्टेज आर देयर लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू दोस सो क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड सो क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड लेट्स सी व्हाट इज दिस क्वांटिटेटिव वेस्टेज सो क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी अमाउंट सो अमाउंट ऑफ फूड ओके सो रॉन्ग मेथड्स ऑफ फार्मिंग लाइक हैंड सोइंग सोइंग मतलब क्या सी फार्मिंग के मैं प्रोसेस बताता हूँ बेसिक प्रोसेस बताता हूँ फर्स्ट इज योअर प्लफिंग ओके फर्स्ट इज योअर प्लफिंग मराठी मध्ये नांगरण पण म्हणतात सो बुल्स से जो या ट्रैक्टर से हम लोग प्लफ करते मतलब लैंड बना लेते हैं पहले तो सोइंग आगे के प्रोसेस करने के लिए ऑल राइट देन वी सो द सीड्स मतलब सीड डालना ठीक है तो देर आर वेरियस मशीन्स अवेलेबल टू सो द सीड्स परफेक्टली और इन लाइन एक तरीका होता है बेसिकली सो करने का जो जमीन में डालने का सीड में ऐसे ही नहीं डाले जाते एक तरीका होता है तो इम्प्रॉपर सोइंग हमें बेसिकली ग्रोथ नहीं देता प्लांट्स की ऑल राइट देन इनएडिक्वेट थ्रेशिंग सो लेट मी टॉक अबाउट फर्स्ट प्रोसेसेस ऑफ फार्मिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लफिंग इज देयर और यू से इट एज प्लोइंग देन सेकेंड इज सोइंग ऑफ सीड्स मतलब सीड सो करना सीड जमीन में डालना एक प्रॉपर वे में देन इट इज फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच एक्ट्स एज बेसिकली कैटलिस्ट ठीक है कैटलिस्ट टू द ग्रोथ मतलब उनकी जो भी ग्रोथ होने वाला है क्रॉप्स का जो भी क्रॉप्स हो वीट हो जवार हो कोई भी हो वेजिटेबल्स हो तो उनका ग्रोथ फास्ट होने के लिए वी एड फर्टिलाइजर्स राइट सो फर्स्ट वॉज प्लफिंग सेकेंड वॉज सोइंग द सीड्स थर्ड वॉज फर्टिलाइजिंग फोर्थ इज इरीगेशन इरीगेशन मतलब पानी देना अच्छे से पानी देना एंड द फिफ्थ वन इज हार्वेस्टिंग सो हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में ये थ्रेशिंग आता है ठीक है थ्रेशिंग तो थ्रेशिंग में क्या होता है कि जो भी हमें क्रॉप्स मिलते हैं तो पूरा क्रॉप हमारा फूड नहीं रहता तो क्रॉप्स पे ग्रेन्स रहते हैं दैट इज अवर फूड दैट इज वॉट वी नीड सो उन ग्रेन्स को निकालना पड़ता है तो उन ग्रेन्स को निकालने के लिए जो प्रोसेस है उसे थ्रेशिंग बोलते हैं ऑल राइट टू रिमूव दोज ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ और द क्रॉप दैट इज नोन एज थ्रेशिंग सो इम्प्रॉपर स्टोरेज एंड रॉन्ग मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर सम रीजंस फॉर क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड क्वांटिटेटिव वेस्टेज मतलब अमाउंट ज्यादा अमाउंट में फूड होना इसका एग्जाम्पल देखते हैं बिसाइड्स मच फूड इज वेस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ कस्टम ऑफरिंग एंड सर्विंग टू मच फूड टू गेस्ट एट ट्रेडिशनल फीस्ट और बैंकेट सो आप शादी में जाते हैं तो शादी में
बैंकेट्स या बुकेज बोलते होता है, तो उसमें अपने आप खाना देना रहता है, राइट? यू हैव टू टेक योर फूड, योर ओन फूड, राइट? तभी क्या करते हैं कि फ्री में मिल रहा है, कुछ पर्सन्स, मैं सभी नहीं कह रहा, कुछ पर्सन्स ऐसा सोचते हैं कि फ्री में मिल रहा है तो बहुत ले लेते, तो बहुत लेते अपने प्लेट में, लेकिन वो खाया नहीं जाता, तो वो क्या करते हैं कि चलो फ्री में ही मिला है ना, हमारा थोड़ी है, तो वो फेंक देते। सो दिस इज वेरी बैड, दिस इज नो, दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, अमाउंट जो है फूड का वो वेस्ट होना, ठीक है? सो दिस इज वेरी बैड। सो हैड इट नॉट बीन वेस्टेड, ऑल दिस फूड कुड हैव मेट द नीड ऑफ मेनी अदर्स, ठीक है, विच आर नॉट एबल टू गेन फूड, राइट? देन क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, सॉरी आई जॉइन लेट फॉर द लेक्चर, ओके? सी क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, यूजिंग रॉन्ग मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड, ठीक है, समझ रहा है ना आपको? इज एवरीथिंग क्लियर? यस यस यस, ओके गुड। तो क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, यूजिंग क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड मतलब उसकी क्वालिटी में खराबी आना, मतलब बेसिकली उसके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय करना, और राइट, उसके न्यूट्रिएंट्स एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो फूड कुछ काम का नहीं है, सो दैट इज अ वेस्टेज ऑफ फूड, ठीक है, हम लोग उसे खा नहीं सकते। सो यूजिंग रॉन्ग मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड, एक्सेसिव यूज ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव, अगेन वी विल सी फूड प्रिजर्वेटिव इन सम मिनट्स, ओके? ओवर कुकिंग मतलब ज्यादा जला देना, ठीक है, ज्यादा जला देना। देन वॉशिंग द वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम, सी व्हाट हैपन्स ना, कि वॉशिंग द वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम, कि वेजिटेबल्स हम लोग काटते हैं, ऑल राइट, देन वेन वी वॉश देन मेनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द वेजिटेबल्स आर वॉश्ड अलॉन्ग विद दैट वाटर, तो वो पानी के साथ बह जाते हैं, ऑल राइट? तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत वेस्टेज होती है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की। सो इट इज़ नॉट, वेजिटेबल्स को कट करने के बाद हमें वॉश नहीं करना चाहिए, बेसिकली टमाटो है तो टमाटो को ऊपर से ही यू हैव टू वॉश इट, नॉट यूर यू डोंट हैव टू वॉश इट आफ्टर कटिंग इट, ऑल राइट? टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम, इज इट फूड सेफ्टी चैप्टर? यस यस यस, इट इज फूड सेफ्टी चैप्टर, ओके? सो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, दिस मिस कैलकुलेशन ऑफ टाइम। सो सी, कुछ कुछ फूड्स का कुछ ही बेसिकली क्या होता है कि फूड को एक लो टेम्परेचर में रखना पड़ता है, मतलब रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक अच्छा रह सके, उसकी क्वालिटी अच्छी रह सके, ठीक है? तो एक कैलकुलेटेड टाइम कैलकुलेट किया जाता है, बिकॉज व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग मेनी ऑफ द ट्रक ड्राइवर्स डोंट कैरी रेफ्रिजरेटर्स विद देम, राइट? देयर इज अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, लेकिन हमारे इंडिया में इतना नहीं चलता है। ट्रक का रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, लाइक अवर रेफ्रिजरेटर, देयर इज ऑल्सो रेफ्रिजरेटर इन ट्रक्स ऑल्सो, ओके? लेकिन हमारे इंडिया में ऐसे नहीं चलता है, ऐसे ही वेजिटेबल्स को एक ट्रक में भरा जाता है, ओके, और ट्रांसपोर्ट किया जाता है मार्केट्स में, ठीक है, फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड्स टू अवर मार्केट। सो अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो फूड वहाँ पे भी डिटोरियरेट होते हैं, राइट, डिस्ट्रॉय होते हैं। सो व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज एंड स्पॉइलेज? सो दीज आर सम डोमेस्टिक बेसिक प्रिंसिपल्स वे गिवन टू यू विच यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ, ठीक है, टू अवॉइड द फूड वेस्टेज। सो सर्व योर सेल्फ ओनली एज मच एज यू कैन ईट, उतना ही सर्व करो जितना आप खा सकते हो। अवॉइड ओवर कुकिंग ऑफ फूड, ओवर कुकिंग मतलब बर्निंग ऑफ फूड अवॉइड करो, ज़्यादा ओवर कुक मत करो, ठीक है। अवॉइड थ्रोइंग अवे लेफ्ट ओवर फूड, रीयूज इट इन अ प्रॉपर वे, बाय ओनली एज मच ग्रीन वेजिटेबल्स। मिस कैलकुलेशन मीन्स बेसिकली कैलकुलेशन में मिस्टेक होना। सो हमने क्या होता है कि एक ट्रक जा रहा है फार एग्रीकल्चरल लैंड से, जहाँ पे क्रॉप्स क्रॉप्स बेसिकली ग्रो हो रहे हैं, वहां से जा रहा है मार्केट में, जहाँ पे क्रॉप्स को, वेजिटेबल्स को बेचा जाएगा, ठीक है? तो जो डिस्टेंस है ना, कुछ टाइम अज्यूम करते हैं कि ठीक है इतना इतना टाइम लगेगा के, तो कुछ कुछ वेजिटेबल्स क्या होते हैं दूसरे स्टेट से भी आते हैं, कुछ कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं दूसरे स्टेट से भी आते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है। और फूड के पास क्या है, स्पेसिफिक फूड्स के पास क्या है कि
एक अपना टाइम रहता है कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स बचा सके. ऑलराइट, आफ्टर सम टाइम इफ दे डोंट गेट रेफ्रिजरेशन, ठीक है, अगर मैं रेफ्रिजरेटर में रखूँ तो बहुत टाइम तक टिकते हैं, लेकिन अगर मैं बिना रेफ्रिजरेटर में ना रखूँ, ठीक है, तो फूड बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो दैट इज मिसकैलकुलेशन ऑफ टाइम. ठीक है, सो स्टोर ग्रीन्स एंड अदर, राइट, बाय ओनली एज मच एज ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिल्क एक्सेट्रा एज यू नीड. अवॉइड द टेम्पटेशन टू मेक एक्सेसिव परचेस. तो एक्सेसिव परचेस नहीं करना है, जितना हम लोग को दो दिन के लिए जरूरी है उतना ही लेना है. स्टोर ग्रीन्स एंड अदर पेरिशेबल फूड स्टफ्स लाइक वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिल्क एक्सेट्रा यूजिंग प्रॉपर मेथड्स. सो प्रॉपर मेथड इज यूजिंग अवर रेफ्रिजरेटर. चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बॉटल्ड कैन पैक्ड फूड एंड यूज विद इन दैट टाइम. सो एज आई सेड, फूड का अपना एक टाइम रहता है, यानी एक्सपायरी डेट रहती है कि वो फूड एडिबल है. ऑलराइट, चलो माइक ऑफ करो सब लोग, प्लीज माइक को ही ऑन नहीं करेगा. ऑलराइट, ठीक है. सो दीज वेर द स्टेप्स विच यू कैन कैरी ऑन, ठीक है, टू अवॉइड द फूड वेस्टेज. 16th अक्टूबर इज नोन एज वर्ल्ड फूड डे, अगले महीने में ही है. राइट, तो अवॉइड करो फूड का वेस्टेज. देन फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन. सो वी हैव लर्न्ड अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ फूड लाइक फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग, एयर टाइट पैकिंग एक्सेट्रा. सो वी हैव नॉट लर्न्ड इट, हम लोग आगे देखेंगे. These different methods prevent the growth of microorganism in food and thereby save the food from spoiling. So, हमें क्या करना है कि food की जो life है, yes, bread. So, life है वो हमें बढ़ानी है, ठीक है. तो इसके कुछ methods होते हैं, we will see that now. All right. यहाँ पे एक paragraph दिया है, पढ़ लेना. This is for your information. Okay. So food protection and food preservation. We will see now about how to protect those food, how to increase the lifetime of the food. So food protection. So prevention of food spoilage by microbial growth and infestation by pest is called food protection. Okay, so जो भी microorganisms हमेशा food पे mostly grow करते हैं, तो उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करना है हमें, एंड इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट. तो पेस्ट मतलब मराठी मध्ये पाखर म्हणतो आपण, राइट, पाखर ते असतात मोस्टली. आप बनाना पे देखोगे, मैं बनाना का ही एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वही पता है, तो उसका ही एग्जांपल आ रहा है एक्चुअली दिमाग में. तो क्या होता है कि आप बनाना लाओ घर पे, तो बहुत छोटे छोटे वो पेस्ट होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते उस पर रहते, ठीक है. आपने बनाना खाने को गए तभी देखोगे तो बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे उड़ेंगे बेसिकली, ठीक है, दे विल होवर ओवर द बनाना. ऑलराइट, सो व्हाट दे डू इज इन्फेस्ट. दिस इज नोन एज बेसिकली इन्फेस्टेशन. क्या है कि बहुत सारे जब इंसेक्ट्स रहते हैं ना, व्हेन द इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, दैट इज नोन एज इन्फेस्टेशन. सो दे basically absorb the nutrients of the food and then this deteriorates again. Wahi kahani, okay, chemical formula destroy hona. Then also, they also carry some germs along with them. To wo jab food pe baithte hai to wo jo germs rehte hai wo food pe baithte hai, and then we eat those food, then disease happens, right? Then this is to protect the food basically from the pest, insects and the microorganisms growth. Okay, that is known as food protection. Now let's see what is food preservation. So there is a difference between these two terms. Abhi aapko clear ho jayega ki kya difference hai. So food preservation, so use of various preservatives to prevent for a long period of time, to prevent the food for a long period of time. So food spoilage due to internal factors is called फूड प्रिजर्वेशन. सो जो भी फूड स्पॉयलेज है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेस्टेशन से नहीं, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस उससे रिएक्ट हो रहा हो, यानी कि मेटल रिएक्ट हो रहा हो, ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा हो, ठीक है, इस सब से बचाने के लिए दैट इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन. सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन.
ऑलराइट, आई होप आपको समझा हो ये। फूड प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इंसेक्ट्स। फूड प्रिजर्वेशन इज बेसिकली प्रोटेक्शन फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, टू अवॉइड द केमिकल रिएक्शन इज फूड प्रिजर्वेशन। सो टू डू दिस, टू प्रिजर्व द फूड, वी एड प्रिजर्वेटिव। नाउ वॉट आर प्रिजर्वेटिव? सो यू कैन राइट डाउन दिस, ओके, यू कैन राइट डाउन दिस, सो लिसन केयरफुल। यस, एक्सप्लेन फूड प्रिजर्वेशन। सो प्रिजर्वेटिव पहले लिख लो। सो सब्सटेंसेस विच आर यूज टू एड इन द फूड सो दैट द फूड लास्ट लॉन्गर। अरे ओके, आई विल टाइप, नो प्रॉब्लम, आप लिखते भी जाओ, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सब्सटेंसेस और सब्सटेंस विच इज यूज टू एड इन द फूड सो दैट इट लास्ट लॉन्गर एंड इट इज एडिबल। ओके, इसके एग्जाम्पल भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट। ओके, सॉल्ट, सॉल्ट के बाद कॉमा है, फिर सोडियम बेंजोएट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या है कि केमिकल सब्सटेंसेस है, दे मे बी बोथ नेचुरल एंड केमिकल। ठीक है, आगे आएंगे हम लोग इसके बारे में। दे मे बी नेचुरल और केमिकली मेड। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फूड की लाइफ इंक्रीज करते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन। लेट्स सी व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन, कि फूड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो कुछ सात है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेथड्स है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो ऑल दिस। सो फर्स्ट इज फ्रीजिंग, तो ये हमें पता ही है, फ्रीजिंग, रेफ्रिजरेटर में रखना। सो बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस इन फूड मटेरियल आर स्लोड डाउन एट लो टेम्परेचर्स। सो वॉट एवर द डेटोरियोरेशन और डिस्ट्रॉइंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस, दिस इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। ओके, याद रख लेना, दिस इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस इन फूड मटेरियल्स आर स्लोड डाउन एट लो टेम्परेचर। सो वॉट वी नीड टू डू, वी कैन नॉट कंप्लीटली अवॉइड दिस केमिकल रिएक्शन, बट वी कैन स्लो इट डाउन। सो व्हेन आई स्लो डाउन दिस केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनका डिस्ट्रॉय होने का रेट भी घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रॉय कम होंगे। ओके, कम न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय होंगे एंड फूड विल लास्ट लॉन्गर। सो एज अ रिजल्ट फूड रिमेन्स इन गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। दैट इज वाई रेफ्रिजरेटर्स आर यूज इन द किचन, क्योंकि किचन में हम लोग को फूड के फूड बनाना रहता है, राइट। यूज ऑफ इनर्ट गैस, यूज ऑफ इनर्ट गैस, तो आपने वेफर्स खाए रहेंगे अपनी लाइफ में, सब लोग खाते हैं वेफर्स, पैकेट बालाजी वो सब रहता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट बेसिकली गुड फॉर द हेल्थ, बिकॉज इट डोंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, बट स्टिल वी ईट टू एन्जॉय द टेस्ट, राइट। सो उन्हें प्रिजर्व करने के लिए आपने डेट देखा रहेगा, एक एक महीने पुराने भी रहते, देन ऑल्सो वी ईट। ठीक है, देन ऑल्सो वी कैन ईट, बेसिकली इट इज एडिबल, हमें डिसीज नहीं देगा वो। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन इट। सो नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन एयर टाइट पैकेट्स ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। सो हमारे इंडिया में ऐसे कैंड फूड प्रोडक्ट्स नहीं चलते, जो हम लोग सिर्फ पैकेटेड पोटैटो वेफर्स वो सब ही खाते हैं, लेकिन बाहर के कंट्री में क्या होता है कि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जो है वो ऐसे ही पैकेटेड रहते हैं। ओके, अभी तो फॉर एग्जाम्पल कुछ चिकन भी रहते हैं जो पैकेटेड रहते हैं, तो मैंने मैंने भी आप रियल चिकन है, ठीक है, रियल चिकन इज अ कंपनी जो पैकेटेड चिकन देती है, ऑलराइट। तो वो चिकन हम लोग एक एक महीने या फिर एक एक हफ्ते शायद बाद भी खा सकते हैं, ठीक है। सो नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन दोज फूड प्रोडक्ट्स, ओके, नॉट इन द फूड प्रोडक्ट्स, बेसिकली इन द पैकेट, ठीक है। दैट्स वाई आपने देखा रहेगा वो जो पोटैटो के जो जो ये
पैकेट है वो फूला हुआ रहता है, थोड़ा एयर रहती है, अगर आप पेन से फोड़ो तो एयर का आवाज आएगा, थोड़ा सा एयर निकल रही है। सो नेक्स्ट इज स्मोकिंग, नेक्स्ट इज स्मोकिंग। नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द सिगरेट स्मोकिंग, ओके। स्मोकिंग इज यूज टू प्रिजर्व फूड, सो फूड इज प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ स्मोक। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज यूज इन दिस मेथड, सो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एक केमिकल है, उसकी मदद से स्मोक किया जाता है। बेसिकली दिस मेथड इज यूज टू प्रिजर्व व्हाट, फिश एंड मीट्स। तो ये बाहर की कंट्री में होता है बेसिकली, हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। तो स्मोकिंग में इस केमिकल सब्सटेंस को बर्न किया जाता है एंड दिस स्मोक, जैसे अपन कपड़े वाड़त घर तो ठीक है, जैसे कपड़े हम लोग ड्राई करने के लिए रखते हैं राइट रस्सी पे, वैसे ही फूड मीट्स को रखा रहता है, मीट्स को आप समझ पा रहे हो, फिश को रखा रहता है वैसे ही, जैसे कपड़े रखते हैं ना हम लोग इंडिया में, वैसे ही मीट को रखा रहता है और रेड एनिमल्स को रखा रहता है जो वो लोग खाते हैं ठीक है। और स्मोक डाला रहता है, स्मोक नीचे से आ रही रहती है, सो उससे प्रिजर्व रहता है ये मीट ठीक है, इंसेक्ट्स वो सब नहीं बैठते। नो मीन्स प्लीज रिपीट, वॉट शुड आई रिपीट, स्मोक The smoking is a method, okay, which is used to preserve foods, to protect food. It is basically applied to the meats, okay, जो fish है, जो animals है, जो बाहर की country वाले खाते हैं, उन्हें preserve करने के लिए रखा जाता है। तो जैसे हम लोग कपड़े डालते हैं ठीक है, drying के लिए कपड़े डालते हैं, वैसे ही meat को भी लटकाया जाता है। और एट एंड अ स्मोक ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है केमिकल सब्सटेंस है, वो डाला जाता है बेसिकली, उसे बर्न किया जाता है। ऑलराइट, एंड दिस इज अ मेथड विच प्रिजर्व्स फूड, जो इंसेक्ट्स है वो अवॉइड होते हैं उन मीट पे बैठने से। ओके, द नेक्स्ट इज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। सो इंसेक्टिसाइड्स अगेन इज अ केमिकल विच इज यूज टू अवॉइड इंसेक्ट्स। सो हमने यहाँ पे देखा था जैसे कि ये फूड प्रोटेक्शन है, ओके okay. तो फूड स्पॉयलेज कैसे होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट। सो ये पेस्ट और इंसेक्ट्स इन्हें अवॉइड करने के लिए, फूड के नज़दीक ना आने से अवॉइड करने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। सो मेलाथियन इज स्प्रेड ऑन गनी बैग्स कंटेनिंग फूड ग्रेन्स। सो मेलाथियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिसाइड, इट इज अ केमिकल कंपाउंड। सो गनी बैग्स मतलब, फोन एक मिनट, हाँ तो गनी बैग्स मतलब क्या होता है, जो जूट के बैग्स आपने देख रहेंगे मराठी मध्ये पोत, तुम्ही ऐकलं असेल पोत असतं, त्या पोतामध्ये राईस भरत असेल तुमच्या आई बाबा ठीक आहे, सो त्या पोतांना गनी बॅग्स म्हणतात। ऑल राईट, बेसिकली उसे जूट बॅग्स भी कहते हैं, जूट बॅग्स। नेक्स्ट इज use of preservatives. Now what are preservatives? I told you what are preservatives, what preservatives are. Okay, to increase the food's life, we add these chemical substances. Okay, to increase the food's life. So there are two types of preservatives, natural and chemical preservatives. So some naturally available materials like salt, sugar, oil are used as preservatives in pickles, jams, murabba, peta, etc. सॉल्ट शुगर एंड ऑयल, ये क्या है, हम लोग बेसिकली टेस्ट ऐड करने के लिए डालते हैं, लेकिन दिस ऑल्सो एक्ट्स एज प्रिजर्वेटिव्स, दिस इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ द फूड। ओके, किन किन फूड के, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ सभी फूड के, कुछ फूड्स के, जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या दिए है, पिकल, पिकल मतलब अचार, जाम, मुरब्बा, मुरब्बा इज अगेन अ स्वीट डिश ठीक है, एंड पेठा, पेठा इज अगेन अ स्वीट्स डिश ठीक है, डेजर्ट है ये। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर मेड बाय अस, दैट इज बाय मेड, दैट आर मेड बाय ह्यूमंस। ओके, सो दीज आर एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, ऑल आर दिस केमिकल्स, एंड सम नाइट्रेट एंड नाइट्राइट सॉल्ट्स, ओके, विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स।
यूज्ड इन सॉसेस, ठीक है, हम लोग केचप खाते हैं, सॉस, जेलीज, जाम्स, एंड इन पैकेज्ड रेडी टू कुक वेजिटेबल्स. सी पैकेज्ड रेडी टू कुक वेजिटेबल्स विच वी नॉट यूज मोस्टली, हम लोग पैकेज्ड वेजिटेबल्स नहीं यूज करते, हम लोग मार्केट से लेते, ठीक है. सो पैकेज्ड रेडी टू यूज वेजिटेबल्स में ये प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, एंड रेडी टू ईट फूड्स एक्सेट्रा. सो दीज प्रिजर्वेटिव्स कीप द फूड सेफ फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. नेक्स्ट इज इररेडिएशन. सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और जैसे जैसे आप आगे स्टैंडर्ड्स में बढ़ोगे, 8, 9, 10, 10th में जाओगे मोस्टली, तो ये रेडिएशंस के बारे में आप थोड़ा और जानोगे. और राइट, अभी के लिए मैं बता दूं कि रेडिएशन इज एन एनर्जी वेव. सो एनर्जी वेव को हम लोग, जो भी वेव है, ठीक है, उसे हम रेडिएशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, जो सन के जो लाइट रेज आ रहे हैं, वी कॉल देम एज रेडिएशन. ओके, अभी के लिए समझ लो, अभी के लिए ये समझ लो कि जो सन के जो लाइट रेज आ रहे हैं, वी कॉल देम एज रेडिएशंस. ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया सन का लाइट रे रेडिएशन का. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रेडिएशंस. ओके, लेट्स सी. इन दिस मेथड फूड इज एक्सपोज्ड टू आयनाइजिंग रेडिएशंस सच एज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय एक्सीलरेटर्स. तो आपने एटम्स शायद पढ़ा रहेगा, तो एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ब्रोकन बाय द एटम, ठीक है, मतलब एटम्स के रिवॉल्व कर रहे रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अगर आपको नहीं हुआ रहेगा तो आपको नहीं समझेगा कुछ भी, ठीक है. अगर आपको हुआ है, अगर आप पता है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, देन देर आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच आर रिवॉल्विंग इन द एटम, एंड दोज ब्रेक्स ऑफ बेसिकली, ठीक है, एंड दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. ओके, उसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निक होता है, और ये जो टेक्निक करते हैं, ठीक है, जिस मशीन से ये टेक्निक करते हैं, उसे एक्सीलरेटर्स कहा जाता है, एक्सीलरेटर्स. ओके, कुछ डेप्थ में जाने की अभी जरूरत नहीं है. सो एक्स रेज, गामा रेज, अगेन दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रेडिएशंस एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. ओके, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. नाउ दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ दैट एटॉमिक थियोरी. ऑलराइट, अगर आपको नहीं है, ये सेवेंथ स्टैंडर्ड में आपको नहीं है, तो अगेन यू डोंट हैव टू गो in that much depth. This process destroys the microbes, insects, etc. So these radiations, what they do is they kill these microbes and insects. ठीक है, because these radiations contains high amount of energy. So for example, आपको पता है कि sun से light आता है, and light contains what? It is a energy. ठीक है, light energy. We feel heat, right? Light का जो sunrise होता है, तो आप अपने हाथ पे heat feel कर सकते हो, right? लाइट के रेज का, लाइट के रेडिएशंस का. सो दिस रेडिएशंस कंटेन्स एनर्जी, एंड दिस एनर्जी किल्स माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स. सो शेल्फ लाइफ, व्हाट इज शेल्फ लाइफ? शेल्फ लाइफ इज द लाइफ ऑफ द फ्रूट. ठीक है, लाइफ ऑफ द फूड. एक मिनट. सो शेल्फ लाइफ इज बेसिकली, इट इज टाइम फॉर विच फूड रिमेन्स एडिबल. मतलब उतने टाइम के लिए जितना टाइम वो, जितने टाइम के बाद हम लोग खा सकते हैं उसे. ओके, एक दिन, दो दिन. ऑल राइट, सो शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन राइपनिंग पीरियड. ठीक है, इंक्रीज इन राइपनिंग पीरियड. सो राइपनिंग पीरियड मतलब क्या होता है कि फूड जो है, जो कच्चा है, ठीक है, कच्चे से वो पक्का होते जाता है, राइट. कुछ कुछ फूड अगर आपने देखा रहेगा कि मार्केट में से लाए, तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं अभी मत खाओ, अभी ये कच्चा है, ठीक है, अभी इसे पकने दो. ओके, सो दैट इज नोन एज राइपनिंग, पकना, राइपनिंग. सो जितना ये राइपनिंग पीरियड हो, मतलब कच्चा फूड है, कच्चे फूड का कन्वर्जन इनटू पक्का फूड, ठीक है, राइप फ्रूट, रॉ फ्रूट. कच्चे फ्रूट को बोलते हैं इंग्लिश में रॉ, RAW, रॉ फूड, रॉ फ्रूट. ओके, और पक्के फ्रूट को बोलते हैं हम लोग क्या, राइपंड और राइप फ्रूट. ओके, सो ये जो पीरियड है, इस बीच का, कच्चे फ्रूट से पक्के फ्रूट में होना, दैट इज रॉ फ्रूट्स कन्वर्जन इनटू राइप फ्रूट. सो ये जो पीरियड है वो इंक्रीज होना चाहिए. ऑलराइट, सो जितना ज्यादा ये पीरियड रहेगा, उतना ज्यादा हमारा फूड टिकेगा, उतना ज्यादा टाइम तक हमारा फ्रूट जो है
वो टिकेगा, इट विल बी हेल्दी, वी कैन ईट इट, ओके, एंड वी कैन स्टोर इट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन. ओके, सो द शेल्फ लाइफ ऑफ पोटैटोज एंड ऑनियंस इंक्रीजेस ड्यू टू स्लो डाउन स्प्राउटिंग. सो वॉट इज स्प्राउटिंग? अगेन आपने कुछ ग्रेन्स में देखा रहेगा कि जो मैंने आपको बताया था रेडिकल एंड प्लिमूल वाला कंसेप्ट, राइट? सो जो रेडिकल आना होता है, ठीक है, रेडिकल और प्लिमूल आना जो होता है सीड से, दैट इज नोन एज स्प्राउटिंग. ओके, सो जितना ज्यादा देर लगेगा उसे स्प्राउट होने में, उतना ही ज्यादा देर पोटैटो एंड ओनियन की लाइफ जो है वो ज्यादा रहेगी. सो नेक्स्ट, दिस वॉज ऑल अबाउट इरेडिएशन. देन दिस वॉज नेक्स्ट इज पैस्टराइजेशन. के एग्जाम्पल मैंगो, कस्टर्ड, एप्पल, यस. सो नेक्स्ट इज पैस्टराइजेशन. नाउ दिस मेथड इज मोस्टली यूज टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द मिल्क. ओके, पैस्टराइजेशन, अगर आप मिल्क बनाने वाली कोई किसी फैक्ट्री में जाओ, ओके, तो पैस्चराइजेशन बहुत बड़े मशीन्स होते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, ठीक है. तो उससे क्या होता है कि मिल्क जो है, मिल्क में जो भी बैक्टीरिया, जर्म्स, वो सब प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो सब क्या होता है कि वो किल्ड हो जाते हैं, बेसिकली दे डाई. सो दिस मेथड इन्वॉल्व हीटिंग द मिल्क और अदर सिमिलर फूड स्टफ्स. सो पैस्चराइजेशन इज नॉट ओनली यूज फॉर मिल्क, इट इज ऑल्सो यूज फॉर अदर फूड स्टफ्स ऑल्सो. ओके, एट सर्टन टेम्परेचर, एग्जाम्पल मिल्क एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स एंड कूलिंग इट क्विकली. सो ये टेम्परेचर याद रख लेना. ओके, मिल्क इज हीटेड अबाउट टू अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फॉर 15 मिनट्स एंड देन इट इज कूल्ड क्विकली. तो हम लोग भी करते हैं, हम लोग पैकेट लाते हैं मिल्क का और डायरेक्टली हम लोग पीते नहीं है मिल्क, राइट? हम लोग पहले गैस पे रखते हैं उसे. ओके, गैस पे गर्म होने देते, राइट? गैस पे गर्म होने के बाद 10-15 मिनट बाद हम लोग उसे पी सकते हैं. तो दिस व्हाट व्हाट पैस्चराइजेशन प्रोसेस डज, इट दिस डिस्ट्रॉयज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन द मिल्क एंड इट कीप्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. सो मिल्क कैन बेसिकली एडिबल, मिल्क कैन बी बेसिकली एडिबल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. सो ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने पैस्चराइजेशन मेथड डेवलप किया था. सो हीज नेम इज लुइस पैस्चर एंड ही वॉज अ माइक्रो बायोलॉजिस्ट. सो वॉट इज अ माइक्रो बायोलॉजिस्ट? सो जो भी इंसान माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है ही इज नोन एज माइक्रो बायोलॉजिस्ट. सो ही डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ फूड बाय रेजिंग इट्स टेम्परेचर टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन द फूड. ओके, सो द लास्ट टॉपिक इज अडल्टरेशन. अडल्टरेशन, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो राइट डाउन वॉट इज अडल्टरेशन. ठीक है, आई एम टाइपिंग इन द कमेंट बॉक्स एज वेल. सो अडल्टरेशन, अडल्टरेशन इज अ एक्शन of making food poorer in quality. By adding another substance. By adding another substance. So adulteration is an action of making food poorer in quality by adding another substance. So why it is done? Basically, it is done to increase the quantity of the food. For example, आपने ये सुना भी रहेगा कि जो मिल्क है, मिल्क में पानी डाला जाता है टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी, राइट? कुछ ग्रेन्स में सैंड डाला जाता है, ठीक है, चिली पाउडर में ब्रिक डस्ट डाला जाता है. ओके, सो ये मिल्क में पानी डाला जाता है टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी. ओके, और वो पैसा कमा सके, बेसिकली ज़्यादा पैसा कमा सके कम चीज़ बेचकर. सो इट इज़ इलीगल, ठीक है, इट इज़ एन इलीगल प्रोसेस, लेकिन बहुत से जन करते हैं फिर भी. द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल यंग ओल्ड मिनट poor or rich is endangered by food adulteration. So it is a very harmful action, it is a very harmful process.
different types of adulterants affect our health in different ways. So what are adulterants? See, the substances which are added in the food, right? The substances which are added in the food to deteriorate the quality of the food, right? They are known as adulterants. Okay, and to increase the quantity of the food, they are known as adulterants. So मिल्क में पानी ऐड करना, सो यहाँ पे अडल्टरेंट क्या हुआ? पानी. ओके, सो मिल्क इज अवर फूड एंड वी हैव एडेड वाटर इन इट, सो वाटर इज द अडल्टरेंट. ओके, सो सम अडल्टरेंट्स कॉज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पॉइजनिंग. सम में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सम ऑर्गन्स इफ कंज्यूम्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इवन कॉज कैंसर So food is adulterated in this way too. Removal of some important components of food, example, removal of fat content of milk, essence of cloves. Cloves मतलब क्या होता है? लवंग. लवंग. Okay. Cardamoms. Cardamoms क्या होता है? इलायची. So mixing of a low quality of inedible or cheaper material or a harmful color with food. So food को attractive दिखने के लिए कलर्स भी डाले जाते हैं. ओके, और फॉर एग्जांपल मैंगो में केमिकल डाला जाता है कि वो ऑरेंज में भी, संतरा जो है उसमें भी केमिकल्स डाला जाता है कि वो ज़्यादा ऑरेंज दिखे, ज़्यादा उसका कलर जो है कलर आए. लेकिन दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, दोस केमिकल्स आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स लाइक स्मॉल स्टोन्स, फाइन सैंड, आयरन फिलिंग्स, यूरिया, dung of horse, sawdust, etc. These are all adulterants. Okay. And these are very harmful materials, fine sand, iron fillings and all. We will see this in this table and this table is very important. आप अपने notebook में अच्छे से बना लेना और हर रोज इसे देख लेना. हर रोज तो possible नहीं हो रहेगा, लेकिन जब भी आपको time मिले देख लेना इसे, because this is very important with respect to your exam. Okay, so how will you find out if food has been adulterated? So the food material is given, then what is the adulterant added in that food material is given, then what is the test ki kya test kare, kya scientific test kare ki hum log ko pata chale ki whether the adulterant is added in the food or not. Okay, aur us test ka conclusion ki humko kaise pata chalega wo test karne ke baad. So let's see. So first food material is milk. और मिल्क में जैसे बताया मैंने कि उसमें अडल्टरेंट क्या ऐड किया जाता है, वाटर. तो व्हाट इज द टेस्ट, एक मिनट. सो व्हाट इज द टेस्ट परफॉर्म्ड इज पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड स्लाइटली इंक्लाइन इट टू स्प्रेड द ड्रॉप. ओके, तो क्या करो कि ग्लास पे ड्रॉप ऑफ मिल्क डालो और स्लाइटली थोड़ा इंक्लाइन करो, मतलब थोड़ा सा एंगल दो ठीक है, स्लाइटली इंक्लाइन इट टू स्प्रेड द ड्रॉप, सो दैट द ड्रॉप स्प्रेड्स. ओके, सो स्प्रेड होने के बाद हमें कैसा पता चलेगा कि उसमें पानी है या नहीं? सो इफ द स्प्रेड मार्क ऑफ मिल्क डज नॉट अपियर मिल्की वाइट. सो आपको पता है मिल्क कौन से कलर का रहता है? व्हाइट कलर का, राइट? मिल्की वाइट कलर का. सो इफ द स्प्रेड आउट डज नॉट अपियर मिल्की वाइट, मतलब जो दूध का कलर है वही कलर का अगर आपको ग्लास में नहीं मिल रहा है, राइट, ये टेस्ट करने के बाद, सो देन योर कंक्लूजन इज कि वाटर मस्ट हैव बीन एडेड. तो थोड़ा बाहर की बॉर्डर्स में जो स्प्रेड आउट हुआ है, वो जो मिल्क स्प्रेड आउट हुआ है, तो आपको बॉर्डर में पानी देखने को मिलेगा, राइट, पानी देखने को मिलेगा. ओके, देन नेक्स्ट इज रेड चिली पाउडर. रेड चिली पाउडर चिली मसाला है ये. सो इसमें अडल्टरेंट क्या आता है? ब्रिक डस्ट. नाउ ब्रिक डस्ट इज अगेन अ केमिकल कंपाउंड, इट इज अ केमिकल, ठीक है, विच अपियर्स जस्ट लाइक द ब्रिक पाउडर. सो आपने ब्रिक्स देखे रहेंगे, ईटा बघितला असेल तुम्ही, विटा. सो अगर आप वो ईट को तोड़ो, ठीक है, तो तोड़ने के बाद वो पाउडर जैसा फॉर्म जो भी बनेगा, ठीक है, वैसा ही कुछ ब्रिक डस्ट भी दिखता है और इसीलिए उसका नाम ब्रिक डस्ट लिया है उस केमिकल का. ओके, सो हाउ टू आइडेंटिफाई दिस? So take a spoonful of chili powder in a beaker, add water up to half of the beaker, 50% तक पानी से भर लेना, stir it, मतलब mix करना, कुछ चम्मच विमच से mix करना,
एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स, थोड़े मिनट्स के लिए उसे छोड़ देना है ऐसे. सो देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि वेदर द ब्रिक डस्ट इज एडेड और नॉट. सो इफ अ रेड लेयर इज सीन सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर, इट मस्ट हैव बीन अडल्टरेटेड विथ ब्रिक डस्ट. सो वॉट इज ना, वॉट इज देयर ना कि ब्रिक डस्ट जो है वो हैवी रहता है वेट में रेड चिली पाउडर से. ठीक है, ब्रिक डस्ट जब रेड चिली पाउडर से डाला जाता है तो वो ब्रिक डस्ट का भी कलर रेड होता है और रेड चिली पाउडर जो मसाला है वो भी रेड कलर का रहता है. ठीक है, तो दोनों रेड कलर के होने के कारण हमें पता नहीं चलता कि अडल्टरेंट डाला है या नहीं, कुछ पता नहीं चलता. तो हम लोग अगर उसे पानी में डाले तो ड्यू टू इट्स हैवीनेस, ठीक है, ड्यू टू बिकॉज द ब्रिक डस्ट हैव मोर वेट देन रेड चिली पाउडर, इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम, ठीक है, बॉटम ऑफ द बीकर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टोन लो और पानी में डालो तो स्टोन का वेट क्या होता है, पानी से ज़्यादा होता है, तो स्टोन पानी के अंदर जाता है और बॉटम में सेटल हो जाता है, राइट. ठीक है, सो इफ अ रेड, सो दैट्स हाउ वी कंक्लूड कि अगर कुछ रेड कलर का लेयर मटेरियल अगर नीचे बॉटम बीकर में अगर रह रहा है, सेटल हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें अडल्टरेंट डाला है, ठीक है, ब्रिक डस्ट डाला है. ऑलराइट, एंड देन वी कैन टेक द एक्शंस. देन नेक्स्ट इज टर्मरिक पाउडर. टर्मरिक पाउडर, सो व्हाट इज द अडल्टरेंट हेयर, व्हाट इज द अडल्टरेंट हेयर, मेटानाइल येलो. मेटानाइल येलो अगेन अ येलो कलर्ड ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड. ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड याद रखना, दो केमिकल कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. अभी के लिए सिर्फ ये नाम याद रखना, ठीक है, आगे आपको पता चलेगा क्या डिफरेंस होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स में. सो इट इज एन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड मेटानाइल येलो. इसका केमिकल फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लेक्स कुछ है, वी विल नॉट गो इन टू डैट. सो वट इज द टेस्ट टू आइडेंटिफाई इट, टेक अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर इन अ टेस्ट ट्यूब. ठीक है, टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी, ठीक है, हळद असते त्याला टर्मरिक पाउडर म्हणतो इंग्लिश मध्ये. सो टेक अ पिंच मतलब थोड़ा सा हल्दी लो इन अ टेस्ट ट्यूब. यू नो व्हाट इट इज, व्हाट इज अ टेस्ट ट्यूब, राइट. प्रैक्टिकल्स हुए रहेंगे तो आपको टेस्ट ट्यूब पता रहेगा, कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म का होता है, ठीक है. सो एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू इट, शेक द मिक्सचर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो इट इज अ एसिड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, सो कैसे पता चलेगा हमें, क्या क्या किया हमने, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा हल्दी डाला, थोड़ा पानी डाला, दो तीन ड्रॉप्स HCl के डाले, एंड देन we shake that test tube. So the mixture becomes red on addition of concentrated HCl and the red color does not disappear if metanil yellow is present. So haldi basically yellow color ki hoti hai, yellow color ki hoti hai, theek hai, agar HCl aap dalo us mixture mein to that yellow color, see aapne haldi dala test tube mein fir pani dala, theek hai, agar aapne mix kiya to pani kaun se color ka hoga, yellow color ka. Right, if you add concentrated HCl to it, ठीक है, and if metanil yellow is present in it, ठीक है, तो जो भी येल्लो कलर का जो मिक्सचर है पानी और हल्दी का, that will become red in color. और वो रेड कलर जाएगा नहीं, बहुत देर तक रहेगा, ठीक है. तो उससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि metanil yellow is present and adulterant is present in turmeric powder. Okay, last is रवा. के रवा, इसके ये लड्डू भी बनते हैं. ओके, रवा, यू मस्ट हैव हर्ड इट, ठीक है. तो इसमें अडल्टरेंट क्या है, फाइन आयन फिलिंग्स. फाइन आयन फिलिंग्स मतलब ये क्या बोलते हैं, नेल्स जैसा आपने देखा रहेगा, मतलब कारपेंटर कुछ काम करते हैं ना, कारपेंटर्स, तो कारपेंटर्स के पास आपने नेल्स जैसा देखा रहेगा, नीडल जैसा देखा रहेगा, ठीक है, किंवा सुई तुम्ही बघितले असेल, सुई माहिती असेल सगळ्यांना, राईट. सो ऐसे होते फाईन आयन फिलिंग्स, ऑलराईट. सो ये डाले जाते रवा में,
क्योंकि हम लोग रवा जो लेते हैं वो वेट के अनुसार लेते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग जो जितना भी पैसा देंगे कि इस पे डिपेंड करेगा कि कितना पैसा है उसके वेट के अनुसार। ऑल राइट, तो उसका वेट बढ़ाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ शॉपकीपर्स क्या करते हैं कि आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं। तो आयरन फिलिंग्स डालने से उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है, और वेट बढ़ जाता है तो जो हमें एक्चुअल में रवा मिल रहा है वो कम मिल रहा है। ओके, एक्चुअल में हमें कम रवा मिल रहा है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज फाइन आयरन फिलिंग्स आर मिक्सड विद इट। ओके, सो हाउ टू टेस्ट इट? पास्ट अ मैग्नेट थ्रू द रवा। सो आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं कि मैग्नेट पे अट्रैक्ट होते हैं। यू नो व्हाट अ मैग्नेट इज, राइट? अपने मैग्नेट से खेला भी रहेगा कुछ स्टूडेंट्स ने। ऑल राइट, तो मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है आयरन फिलिंग्स को। सो आयरन फिलिंग्स कंक्लूजन का है, आयरन फिलिंग्स एडहेयर टू द मैग्नेट। मतलब क्या है कि वो चिपक जाते हैं मैग्नेट से। सो दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि वेदर आयरन फिलिंग्स आर देयर इन द रवा और नॉट। सी, आयरन फिलिंग्स आर वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी, ठीक है। आयरन को हम लोग की बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, सो इट इज वेरी हार्मफुल, ठीक है। तो आयरन फिलिंग्स वर एडेड टू द मैग्नेट, एंड दैट इज हाउ वी नो कि आयरन फिलिंग्स, और बहुत छोटे छोटे रहते हैं, सो नेकेड आई को समझते भी नहीं इतना, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस लेसन। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो एक नेचुरल इंफॉर्मेशन है, कि सम केमिकल्स आर इंजेक्टेड एंड फ्रूट्स टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव एंड टेस्टी, ठीक है। जैसे मैंगो में डाला जाता है। ओके, सो मिल्क वेंडर्स एड यूरिया टू द मिल्क सो दैट इट अपियर्स टू हैव हायर फैट कंटेंट। सो यूरिया क्या है? यूरिया बेसिकली एक नाइट्रोजन से बना हुआ, नाइट्रोजन एलिमेंट कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। केमिकल कंपाउंड विच कंटेन्स नाइट्रोजन। सो देन शॉपकीपर्स चेंज द एक्सपायरी डेट ऑफ फूड पैकेट्स एंड एयर टाइट कंटेनर्स टू अवॉइड फाइनेंशियल लॉस। तो उनको लॉस ना हो इसलिए एक्सपायरी डेट जो भी होगी, अगर उसका वो प्रोडक्ट बिका नहीं हो तब तक, चलो 4 सितंबर अगर आज डेट है और उसकी एक्सपायरी 4 सितंबर को होने वाली है आज के दिन, लेकिन उसका प्रोडक्ट बिका नहीं हो, उसे बेचना हो, तो वो डेट्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड एंड सम अदर केमिकल्स आर यूज टू मेक फ्रूट्स लुक मोर अट्रैक्टिव, एग्जाम्पल ब्राइट येलो बनाना। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि ब्राइट येलो बनाना इसको क्या, कौन से केमिकल्स यूज होते हैं। सो कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड इज यूज इन फ्रूट्स टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। फ्रीक्वेंटली हार्मफुल केमिकल्स लाइक कार्बोनेटेड सोडा, फॉस्फोरिक एसिड एक्सेट्रा मिक्सड विथ कोल्ड ड्रिंक्स। सो कोल्ड ड्रिंक्स तो बेसिकली हार्मफुल ही है केमिकल्स, विच वी शुड नॉट ड्रिंक, ठीक है। येट कुछ लोग पीते हैं इसे। सो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस वो सब रहते हैं विच इज नॉट सुटेबल टू आवर बॉडी। ऑल राइट, कार्बोनेटेड सोडा रहता है। कार्बोनेटेड सोडा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेसिकली। ओके, फॉस्फोरिक एसिड होता है। सो दिस इज नॉट सुटेबल टू अवर बॉडी, सो वी शुड अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल, इट इज अ वेरी जनरल लेसन, राइट। सो वी विल स्टॉप हेयर। ऑल राइट, आई होप देर इज नो डाउट अमॉन्ग यू। कुछ डाउट्स नहीं है किसी को, कुछ समझा नहीं, कुछ दिक्कत किसी में, किसी टॉपिक में कुछ? नो डाउट। सो इट वॉज अ वेरी जनरल लेसन, कुछ था नहीं इसमें देखने लायक, लेकिन नेक्स्ट लेसन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और इससे हमारा फिजिक्स चालू होता है, ठीक है। तो बहुत देर पढ़ा हमने, चलो अभी विल स्टॉप हियर। ओके, तो एक एक करके लेफ्ट करो। ऑल राइट, सब लोग टेक केयर एंड बाय। चलो बाय बाय बाय, एक एक करके लेफ्ट करो। बाय बाय, गुड नाइट। चलो लेफ्ट करो। ओके।